వెళ్తున్నారు మరి కాయ ఆతన జా తమంజి దైన అంటే కాయ ఆతన జా మాలగే టోర్ జాయే అంటే మా తాతి కాయ పకింతనా ఓకో ఏ విర్సేదో లాందా కుమ కామ లాందా కదా లాందా జా కచ్చి కాయ జా బినా जमीन दे तो सीगी सी जमा इंटर के जमा करना आया हम तेरा दुर्जन सिंह इन्हीं जग का उता को कमी बिड़ा चुके हैं इन ताको रसेन क्या होते के अब वो अवरोध को तो को हिंगी नहीं कितने कर की जाएगा को तो फादा के को तो दाल के को तो खून सुखे पूरे एक दिन को सादा हो जा गया पूरे को सादा हो जा बो तो हम इन्हें सादा वार सिगिर में ना बुए ना तो अब ने सादा सिगी दूर तो दूर हो गया नहीं पार का में ते अब वीर से बाबू हिजू जी ना तो पूरे उड़ू और फिकिर कबू तई कबू तई ना नी तो ना तो जान लिखते पुंडी फोड़ को ताते वो बंचाई का और ही हराम होता बैर दो ए ना ते नी दे नीते ते बंचाओ ली ना वो कबू तो बड़े वो कबू तो बड़े बंचाई वो हे मामू हे एंत पूरा के मारो आई को आई मो तना मारो ताई को पे मनिया और काफे ताई इंतनेरो पूरा को अरंग तिताल जे रेस करो आनी ओ का दुबका को आई गत्ता पुत को और अन्यो मामू तो कोड़ो आनी इसकरो अकिन अवतार किन ताई इंतरे हेड़ो हंता अकिन हाड़ा मुड़िए किन रो इसकर चिलके किन ताई ने इना मेंते को हिजू डाली मारे टावलेंगे ए मार अली न लेले हिजू न ने बाबू को बोले की एकाची अच्छा हिजू इदी पेड़ो निकाज एन कारड़ो अले उदाम बतरे एन आपे आसर ले तैने हिजू के पे मेंते न लेल दो री तो सोबेन को तै बोलेल मरंग ले ना ए मार लेल दो हिजू इदी पे गेड़ो निकके और ई मरंग जके सोबेन को तै बोलेल मरंग ये रो निकके ए ने सत्ते के अच्छा मार मामू तो भाई hey, मार मार जोवार मारा तो जोवार जोवार से दे दा है ए hey, मार माजे ती बाप मार भाई बोलो बोलो ए दरस के तो केदा ले ली जी ए दा पूरे का नाद नहीं चल रहे हम मार तो विश्वास मानो इना सबे ने हते को छबई रे कि काम का बकना कमी को तोबे तो गम के इनकार दो लेलो को अब तोला हे मां हो सो तोबे चलो गम के दो आए ले दो अबुआ हे बोला तई दा पूजो काये ने पोते को मेरे को मिल पोते को मैं कमे के का को गम के हां काले को अब तो ती इन यार लो विश्वास आबिन ठीक ने इनका बिना कुछ बन
राजा आलो मसूरी में तक का मनिया को सिकड़ा से सिकड़ा है सिसिन तन किया तो के उड़वाई वो तना राम ना समते फुड़िंग गुम के हां इन तन किया गुम के सिकड़ा ने वाला मराई तबू ने सिकड़ा किया बू राजा हुकुम है जाते उड़ो हने ने हुकुम ये है तबे तो लिखो आज तो कहीं ना आगा बहुत मजा इनते घूम के एक जदम आई भाग बिंदु सी बिड़ैया कालू मजा माजम कामिर के जाको आए निया को के रंग ना सरत नया इनते को तो लेल बड़ो में नया दो बोलूं कुन जोंते बोलूं इन जोंते नड़ो इना के आई तो ओकवा राजा हुकुम इना इन कामे आइन तो कहीं दंग रीडिंग किया। हे इनका गलम भाई है। हाँ। ये की काम है। ओसा किन्हों तो वो कीन जा। ओपे तो इनते आइन सिंह को है ना। हाँ। आगाम ने नू क्या ऑटो करोड़ ग्रित ने। आपसे टांग जाने बंके। सिंगी ये उरे तुरो का पहले सूप तो नडो। एक कनो। आगंके। ये टांग ही कुनू इक्या।
तुम्हें तो मेरी क्या गाजी की जाए ये गोम के हुकुम जी आपे नहीं आगे नू इक पे ने दार मीना इना के वो कमी थी ना इना के वो नू उनके कोंडे किया नहीं आता है नहीं तो डाढ़ी ले नू आना बोली आयू गोम के हुकुम आई चाहे नो जिनके हुकुम थे ना इनका कमी पे आपे तो भी नहीं टाका कोई सभी ना में नहीं डाके के कनू का करो कोता दाना मो नहीं के कनू मर मजा नहीं के नू पे नीमीन कौन ताका नीमीन के चिमीन के काम हो बजना नहीं के कनू पे मर नूर के कम से कनू नू पे आनो कौन क्या हुकुम नहीं के वो नू ये ना इनाते आई जिनका काजी इनका ही मर हाँ तो मैं कम के ठीक नहीं तो इन्हें ना तो नहीं आता का पनाह लेते हैं ना ठीक कलो ओपे ना हुकुम ले ना हाँ एक हाँ लूट पे आपे ठीक पे आपे ठीक का कलो कलो हाँ चामरू गासी करे आप कम तेरा कौन कहता है नरे ये ले आई है बंदा ये करे को करे कुरिया मर कनू अब वो चला चुकी थी ना है ओके हम को ले लिया ओके हम को ले लिया कौन कहता है कुरे नितान कहता है बनो है नहीं कहना कुछ ये कानून नितारम कम लेते ना इन्हें कुछ भी नहीं लेते ना चामरू गासी पूजा क्या पूजा नीचे कम से आले राजा बांदा रकम बेकार कुली ते इन्हें कुछ हम कमी है हम ले में कानून मसले का शैतान हेंडे डोंबोई में साला कानून ठीक दी ना और फिकर कहिए कुली ते ये नेको कानून राजा
Ini
ᱟᱢ ᱞᱤᱭᱟᱹᱧ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱦᱮᱸ ᱟᱢ ᱞᱤᱭᱟᱹᱧ
दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस भाग में हमने देखा कि जमींदार अपने कानू, दुर्जन सिंह और अपने बॉडीगार्डों के साथ गांव वालों पर टूट पड़ते हैं। देखते हैं इस कहानी में कि गांव वालों को वो पानी पीने तक नहीं देता है, जो खेत में कीचड़ भरा पानी है उसे पीने के लिए कहता है। जमींदार के मन में इतना मात्र भी दया नहीं। उसके बाद देखते हैं आगे चमरू अपना पेट का और परिवार का पालन भरण पोषण करने के लिए मछली मारते रहता है। दुर्भाग्यवश वो तालाब राजा का रहता है और राजा के द्वारा कहने पर कानू उसे पीट पीट के अधमरा कर देता है, मरने को ही रहता है। फिर देखते हैं कि उस समय में जितने भी ग्रामीण रहते हैं, भले ही चमरू जात का घासी और छोटा दरिद्र है, परंतु सभी गांव के जितने मुंडा पहान, सभी की बीबियां और सभी लोग आकर के उसे उठा लेती हैं। उस समय वो लोग ये नहीं सोचता है कि निचला जात का है, ये छोटा जात का है। उस समय केवल वो लोग ये सोचता है इसे किसी तरह से बचाना है। केवल उसके जान के बारे वो लोग सोचते हैं, अपना जात धर्म सब कुछ भूल करके उसे उठाते हैं, उसे पानी उसे ठीक करते हैं और कहते हैं कि शाम में तुम भूखा नहीं सोगे, शाम को तुम हम लोग के घर से चावल ले जाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, परंतु कभी भी इस राजा के तालाब में मछली मत मारना, अन्यथा ये लोग तुम्हें मार देंगे। उसके बाद देखते हैं मंगरी लकड़ी लेके आती होती है। उसके बाद हमारा जो कानू है, आप लोग तो जान रहे हैं उसका नेचर, वो साला कानू देख करके ही लड़की को फंसाने के लिए नाटक करने लग जाता है। और जब नाटक करने लग जाता है तो मंगरी भी उसका नाटक में फंस जाती है। फिर उसका साथ आप लोग जो देखा, आपने देखा ही होगा ना क्या हुआ। तो इस तरह से देखते हैं कि जमींदारों का शोषण अभी भी कम नहीं हुआ है, दिन ब दिन आगे बढ़ता ही जा रहा है। और खुशी की बात कि बिरसा उधर में हम लोग का बढ़ते जा रहे हैं, अब जल्दी होगा इस जुर्म का अंत। तब तक के लिए अगला कहानी हुआ ही नहीं है ना, तो तब तक के लिए मुझे तथा जो हाथों आखाड़ा टीम को अनुमति दीजिए। तब तक के लिए हम सभी आप सभी परिवारों के लिए दुआ करते हैं, आप सभी सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें और सदैव उन्नति करें। नमस्कार।